Hello students, good morning to all of you. Today we have to discuss repeat command in Dogo. So what is the use of repeat command and whenever we used this command in Dogo. So let's start. सबसे पहले बात करेंगे कि repeat command. जैसे आप जानते हैं repeat मतलब होता है दोबारा, कई बार या तीन बार या चार बार, जिसको हम कहते हैं repeat करना. तो ये command भी वैसा ही work करता है. ये कॉम्प्लेक्स कमांड है, मतलब तीन या चार कमांड्स को मिलाकर हम इसे बना सकते हैं. जैसे रिपीट, यहाँ पर है नंबर ऑफ रिपीटेशंस, कितने बार रिपीट करना है उसको, और यहाँ पर किस चीज़ को रिपीट करना है, इसको हम लिखते हैं और फिर प्रोग्राम्स को जैसे ही एंटर की दबाते हैं वो रन करता है. यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये चार लाइन का कमांड है. इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. रिपीट कमांड ज़्यादातर तभी यूज़ किया जाता है जब इक्वल लेंथ की आर्म्स के द्वारा कोई शेप बनाया जाता है. जैसे ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए हम जिसमें तीनों आर्म बराबर हों, या फिर पेंटागन बनाए, या हेक्सागन बनाएं जिसमें सारी आर्म्स बराबर हों, या सर्किल बनाएं. तो यहाँ पर इस कमांड का यूज़ किया जाता है जिसे हम रिपीट कमांड कहते हैं. देखिए, अब इनमें चार लाइनें जो यहाँ आपको दिख रही होंगी, एक है FD फॉरवर्ड 70 लेंथ है एक आर्म की, और राइट RT 90 का मतलब है 90 डिग्री वो घूम जाए. जैसे आपने अगर कर्सर की मदद से यहाँ पर अगर हम टर्टल समझ लें, तो ये टर्टल यहाँ से यहाँ तक आएगा और ये लाइन ड्रॉ होगी पहली वाली, फिर ये टर्टल का शेप घूम जाए, टर्टल घूम जाए 90 डिग्री इस तरफ, उसका फेज हो जाए, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक चले और टर्टल यहाँ पहुँच जाए, फिर वो 90 डिग्री घूमे और उसका फेज इस तरह से हो जाए नीचे की तरफ, और फिर वो यहाँ से यहाँ तक चले और यहाँ पहुँच जाए. तो तीसरी लाइन यहाँ पे डेवलप होगी या बनेगी, और उसके बाद में फिर हम इसको घुमाएं तो टर्टल का फेस फिर घूम जाए, इस तरफ हो जाए, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक चले और यहाँ पहुँच जाए. तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी लाइन ड्रॉ करने में हमको चार बार मुड़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा 90 डिग्री, और बराबर लेंथ की FD 70 की लाइन्स के द्वारा हम क्या बना रहे हैं, एक आपका स्क्वायर बन रहा है. तो ये चार लाइनों की जगह प्रोग्राम में अगर हम सिंगल लाइन से इसी पिक्चर को ड्रॉ करें, तो हम कौन सा कमांड लगाएंगे, रिपीट कमांड लगाएंगे. कितने बार लाइन को रिपीट करना है, 4 times, तो 4 FD 70 RT 90. देखिए यहाँ पर FD 70 RT 90 को 4 times रिपीट किया गया था, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, 4 times रिपीट करना है, और क्या FD 70 RT 90. फिर बात होती है तो ये यूज़ क्या है, ब्रैकेट्स का यूज़ क्या है, और रिपीट कमांड कब और क्यों यूज़ किया जाता है. मैंने जैसे आपको बताया कि रिपीट कमांड का यूज़ तब हम करते हैं जब हमें कोई इक्विलेटरल शेप बनानी हो, मतलब जिसमें कि लाइन की लेंथ बराबर हो और कोई भी शेप फॉर्म करे. तो यहाँ पर ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर. तो ये सारी चीज़ें जो ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर लिखा जाता है, और रिपीट कितने बार करना है उसके बाहर. तो फॉर्मूला जो है, आपने देखा अभी फॉर्मूला जो ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इसे हम फॉर्मूला कहेंगे, रिपीट 4 FD 70 RT 90. तो स्टार्टिंग में आपको फार्मूला यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, ये फार्मूला था जिसमें कि रिपीट, उसके बाद नंबर ऑफ रिपीटेशन जैसे 4, और प्रिमिटिव जिसमें FD 70 और RT 90 के बारे में बात कर रहे थे. अब हम चलते हैं एक और पिक्चर की तरफ. यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे तीन सर्कल बने हैं. तो पहले सर्कल के लिए यहाँ पर एक डिग्री का अंतर रखा गया है, 360 बाई 360, मतलब एक डिग्री. फिर 2 degrees का अंतर रखा गया है, तो यहाँ पर रिपीट कितने बार करना है, 180 times. फिर 4 degrees का अंतर रखा गया है, तो उसको 90 times रिपीट करना है. इसका मतलब 4 into 90 360, 2 into 180 360,
और 1 इंटू 360 इज 360। यहाँ पर आपको तीन शेप दिख रहे होंगे, नंबर वन शेप बड़ा वाला, फिर सेकेंड वाला उससे छोटा, फिर थर्ड वाला उससे छोटा। तो ये तीनों शेप इन्हीं की मदद से बनेंगे जो आपके कमांड हैं। लेकिन अगर हम इसे रिपीट कर दें, रिपीट कमांड के थ्रू यूज़ कर नहीं करते, तो इसके लिए हमें इस पहले वाले कमांड के लिए 360 टाइम्स ये कमांड लिखना पड़ता, मतलब FD1 RT1 को हमें 360 टाइम्स प्रोग्राम में लिखना पड़ता, और इसके लिए हमें 180 टाइम्स लिखना पड़ता FD1 RT2 FD1 RT2। और ऐसे ही हमें इसके लिए जो तीसरा वाला जो आपका सर्कल बन रहा है अगर उसे ड्रॉ करना होता तो उसके लिए हमें FD1 RT4 लिखना पड़ता, और इस तरीके से हम पिक्चर्स ड्रॉ कर पाते। तो इनको एक लाइन में रिपीट करके 360 टाइम्स लिखने की जगह हमने एक ही लाइन में लिख लिया, या 180 टाइम्स की जगह हमने एक ही लाइन में लिख लिया, या 90 टाइम्स की जगह हमने एक ही बार में उसे लिख लिया, तो प्रोग्राम के साइज को भी छोटा कर देता है और टाइम भी बचाता है उस शेप को ड्रॉ करने में। अब यही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई गई है कि अगर हमें ये ड्रॉ करना होता तो RT1 एक एंगल जिसे हम राइट एंगल, RT1 RT2। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं। देखो RT 180 डिग्री में हाफ सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल। कर्सर जो है आपका जो टर्टल कह रहे हैं, टर्टल यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ तक मूव कर रहा है और हाफ सर्कल बना रहा है। अगर हम 90 डिग्री तक घुमाते हैं इसको तो देखिए ये क्वार्टर, हाफ का भी हाफ सर्कल बना रहा है। और यहाँ अगर हम सेकेंड टाइम में देखें तो ये देखो हाफ सर्कल बना रहा है लेकिन छोटा बना रहा है, RT की साइज बढ़ा दी गई है। तो उसमें किस तरीके से ये वर्क करता है इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।